राधे राधे, इट्स एमजी हियर। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सेकंड पार्ट, जो कि अमेजन फाइव अमेजन फेवरेट प्रोडक्ट्स। फर्स्ट पार्ट लाइक मस्ट हैव, सॉरी, फाइव अमेजन मस्ट हैव। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो ऊपर मैंने कहीं पर लिंक कर दिया है, अब चाहो तो देख सकते हो। और आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अगेन फाइव मस्ट हैव फाइव प्रोडक्ट्स। जो पहला चीज़ मैं शेयर करने वाली हूँ आपसे वो है ये, सॉरी आप देख सकते हो मैंने थोड़ा तोड़फोड़ कर लिया क्योंकि मैंने एक तो यूज़ किया है। ये एक फेशियल रेज़र है जिससे आप आईब्रोज भी अपना शेव कर सकते हो, फेस भी कर सकते हो शेविंग के हिसाब से। ये बहुत ही एक बढ़िया प्रोडक्ट है। ये ब्रांड ट्विंकल आईब्रो रेज़र है फ्रॉम अमेजन। आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, रेज़र से याद आया कि मेरे पूरा फेशियल रेज़र के बारे में मेरा वीडियो बनाया है। अगर आपको जानना है कि कैसे आप भी अपने आईब्रोज घर बैठे शेव कर सकते हो, अपने पूरे फेस को कैसे शेव कर सकते हो, क्या प्री प्रिपरेशन करना है, क्या आफ्टर टेक केयर करना है, वो सारा चीज़ मैंने शेयर किया है यहाँ पे, आपको मिल जाएगा वीडियो, ज़रूर से देख लेना आप। आपको तीनों रेज़र मिल जाएगा, इसमें से एक मैंने यूज़ कर लिया है, यहाँ पे दो है, वो मैं दो ही आपको दिखा रही हूँ। कैप आप रिमूव करोगे एंड देन यू विल गेट द शार्प नाइफ, बोलने जा रही थी क्या बोलते उसको, रेज़र। तो कैसे क्या करना है वो पूरे वीडियो में है, और ये शेविंग ब्लेड यूज़ करने से पहले क्या करना है वो भी उस वीडियो में मैंने बताया है। तो ज़रूर से वो वीडियो देखिएगा अगर आपको शेविंग में इंटरेस्ट है तो, फेशियल शेविंग में क्यों वैक्सिंग नहीं करना चाहिए, थ्रेडिंग में क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है, वो सारा चीज़ मैंने दिया है, और क्यों रेजर यूज़ करना चाहिए वो भी मैंने बताया, आप चाहो तो देख सकते हो। तो ये मैंने लिया है, पहला प्रोडक्ट है अमेजन से। तो जो दूसरा प्रोडक्ट मैं दिखाने जा रही हूँ वो सब मेकअप लवर्स के लिए होगा, क्योंकि क्या होता है हम मेकअप प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। मेकअप लाइक आई मेकअप बहुत क्रिएट करना अच्छा लगता है, लेकिन आई प्रोडक्ट कहाँ से ले, कौन सा अफोर्डेबल एट फर्स्ट होगा लेना, तो ये सारा चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम धूम से ख़रीद लेते हैं इतने हज़ार रुपये का प्रोडक्ट जो कि फॉर द बिगिनर नॉट गुड। तो मैं यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स लेके आई हूँ, तो मैं दिखाने वाली हूँ ये सारा जो मैं प्रोडक्ट्स दिखाने वाली हूँ, ये स्वीस ब्यूटी का है। अनफॉर्चुनेटली ये टूट गया और मुझे पता ही नहीं था ये टूट गया, ओह गॉड, दैट इज़ द फेस यू मेक व्हेन यू नो दैट एक प्रोडक्ट टूट गया है। स्वीस ब्यूटी से मैंने लिया था ये तीनों प्रोडक्ट। तो इसमें सारे आपको न्यूट्रल कलर्स, यू नो, थोड़ा पार्टी वेयर कलर्स या कोई भी ऐसा स्मोकी आई पैलेट, सब कुछ यहाँ पे छः सात पैलेट्स हैं। मैंने तीन या चार ठो लिया था, आप अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से आप लो। इसका प्राइस ज़्यादा नहीं है, 200 समथिंग है, आपको मैं इसे दिखा दूँगी स्क्रीन में, ठीक है। तो इसका प्राइस बहुत ही कम है। इसका कलर पे ऑफ अगर मैं आपको बताऊँ तो लाजवाब है। अगर ओके, अगर सोचिए ये मैंने लिया, कलर पे ऑफ देखिए आप, इसका पिगमेंटेशन देखिए, 200-250 रुपये में ये पिगमेंटेशन जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड, और बहुत ही बढ़िया यूज़ कर सकते हो आप इस चीज़ को। इसका कोई भी कलर हो, सोचिए यहाँ पे ब्राउन कलर है तो वो आप आईब्रो फिल भी कर सकते हो, यहाँ पे ये वाला कलर है तो आप ऐसा ब्लश भी यूज़ कर सकते हो, आई शेडो भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे ये वाला जो कलर है ये आपका हाइलाइटर का भी थोड़ा काम कर सकता है। तो ऐसे ही कुछ मल्टीपर्पज़ आपको मैं बोलूँगी कि अगर आप बिगिनर हो तो ख़रीदो, क्योंकि ये सब जो पैलेट्स हैं ये मल्टीपर्पज़ हिसाब से बहुत ही बेहतर होता है। आपको हर चीज़ ख़रीदना नहीं पड़ता, लेकिन आपको एक्सपेरिमेंट करने का बहुत ही अफोर्डेबल वे में आपको वो मिल जाता है, मतलब यू गेट अ स्कोप टू एक्सपेरिमेंट। जो थर्ड चीज़ मैं दिखाने वाली हूँ वो है ये, लुक एट दिस ब्यूटी। ये है एक टैंगल टीज़र, आप देख सकते हो कितने कॉम्पैक्ट है, कितना छोटा है, आपके पर्स में तुरंत आ जाएगा। क्योंकि हम बहुत बार क्या करते हैं, मैं क्या करती हूँ, मैं अपना बता रही हूँ, बाकी तो सब कैरी करते हैं कष्ट करके, लेकिन मैं कैरी करने वालों में से नहीं हूँ। मैं कभी भी कंघी कैरी नहीं करती हूँ, क्योंकि उतना स्पेस कहाँ से लाऊँगी मैं, मुझे इतना भारी बैग अच्छा नहीं लगता यूज़ करना। तो नाउ आई हैव दिस, नाउ आई कैन कैरी दिस, इट्स ईजी टू कैरी, यू नो, यू कैन सी। और ये टैंगल टीज़र बहुत अच्छा भी काम करता है, मैं इसको डेली लाइफ में यूज़ भी करती हूँ। और लुक एट दिस ब्यूटी, इट इज़ अमेजिंग, आप देख सकते हो कितना खूबसूरत दिखने में है ये। तो ये भी ज़्यादा प्राइस का नहीं है, 250 में आई गेस आ जाएगा।
तो ये जो प्रोडक्ट है 250 में आई गेस मैंने ख़रीदा था, तो ये जो प्रोडक्ट है अफोर्डेबल भी है और ये काम भी करता है, कॉम्पैक्ट भी है, आपके बैग में आ भी जाएगा और खूबसूरत भी है दिखने में। लाइक इतना कुछ चीज़ एक प्रोडक्ट से मिल रहा है और क्या चाहिए हम। तो ये था थर्ड प्रोडक्ट। जो फोर्थ प्रोडक्ट की मैं बात करने वाली हूँ ये एक्सपेंसिव है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन काम का है। अगर आप में से कोई भी यूट्यूब करता है या ब्लॉगिंग करता है और उसको कैमरा चाहिए अच्छा वाला, तो मैं उसको ये कैमरा ज़रूर सजेस्ट करूँगी। ये आप देख सकते हो, ये व्लॉगिंग कैमरा है, आप चाहो तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। डू नॉट माइंड दिस, ओके। मेरा कुछ टूट गया था इसलिए मैंने इसको फिक्स किया इस तरह से। तो अगर आप देख सकते हो, तो अगर आप नए हो और अगर आपको चाहिए कि आप व्लॉगिंग करना चाहते हो या कोई भी वीडियो करना चाहते हो, आप इससे शूट कर सकते हो। तो ये है सोनी का, कुछ लिखा नहीं है, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखा दूँगी। सोनी DSC WX500 और ये सोनी का कैमरा है। और यू कैन सी दिस, वेट, राइट? सो या दैट्स दैट। मैं इससे ही इनिशियली करती थी ब्लॉगिंग, जब भी करती हूँ ये यूज़ करती हूँ। तो अभी मैं फ़ोन से भी कर लेती हूँ वैसे, लेकिन मैं यही यूज़ करती थी। एंड इसका प्राइस करीबी 20,000 या ऐसा कुछ होगा, तो मैंने लिया था 20 या 22 हज़ार में। इसका वाइट और ब्लैक दोनों कलर आता है और ये बहुत हैंडी है, पॉकेट फ्रेंडली है, लाइक इजीली कॉम्पैक्ट है, आ जाता है, इजीली कॉम्पैक्ट है, आ जाता है। और ये बहुत ही हेल्प करता है उस सारे ब्लॉगर्स को जो कि ऐसे कैमरा पकड़ के व्लॉगिंग करने में प्रो नहीं है। उन लोगों के लिए कैमरा बहुत ही हैंडी है और बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है व्लॉगिंग करने में। तो दिस इज़ गोइंग टू बी, तो दिस इज़ द फोर्थ प्रोडक्ट। द लास्ट प्रोडक्ट दैट आई एम गोना बी शोइंग यू इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, इज़ अबाउट माई नेल्स। यू सी माई नेल्स, दिस नेल्स आर नॉट लाइक फॉर 1 वीक के मैंने ग्लू दे के चिपका दिया हो गया। ये जेल नेल्स है जो मैंने खुद YouTube से सीख के अपने पे अप्लाई किया, एक्सपेरिमेंट किया। मैं ये नेल्स अपने घर में खुद के लिए करती हूँ, खुद के लिए सीखा है क्योंकि मुझे नेल्स करने का बहुत मन था। मुझे नेल्स करने का बहुत मन करता था लेकिन इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मैं इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सीख के खुद से ही कर लूँ। तो मैंने खुद ही यूट्यूब पर सीखा, कहीं जाके नहीं सीखा, यूट्यूब पर सीख के मैंने खुद ही खुद पर अप्लाई किया है। और मैं पहले एक यूज़ करती थी, कुछ दूसरा यूज़ करती थी जो कि 500-600 में आता है, वो बिल्कुल भी इतना अच्छा नहीं है। लेकिन ये जो IBD का ये जो नेल जेल है, इट इज़ ए क्लास, ओके। मैंने ये ख़रीदा था 1400 या 1500 रुपये में, लेकिन अभी डिस्काउंट चल रहा है अमेज़न में 1000 रुपये में, मैंने देखा था कल ही। अब मुझे नहीं पता फिर चेंज हो जाएगा या क्या, लेकिन ये आपको कितना देता, 56 ग्राम, मतलब 2 oz में आपको ये 1500, अभी तो मैंने बोला 1000 का भी मिल रहा है, आप चाहो तो ये खरीद सकते हो। बहुत ही बेहतर, अगर बोलोगे आप ये प्रोफेशनल है वैसे, ओके, ये मैं कोई बिगिनर हूँ इसलिए कोई बिगिनर प्रोडक्ट नहीं ख़रीदा है मैंने ये वाला, ये बहुत ही प्रोफेशनल प्रोडक्ट है। मैंने जिनसे सीखा है, नीतू कोहली उनका नाम है, आई गेस नीता कोहली या नीतू कोहली, तो मैंने उनसे सीखा है और वो भी IBD का ही यूज़ करती है। तो मैंने, मुझे जब मिल गया इतने कम प्राइस में, तो मैंने भी ग्रैब कर लिया है। तो आपको अगर चाहिए होगा तो डेफिनेटली यू कैन बाय दिस। अगर आप खुद से नेल सीखना चाहते हो, जेल नेल यूज़ करना चाहते हो, तो अगर आपको जानना, अगर आपको नेल्स का भी वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हो, मैं दिखा सकती हूँ, क्योंकि वो बहुत है, हार्ड है फिल्म करना, तो इसलिए मैं करती नहीं हूँ। पर अगर आपको चाहिए मैं कर भी दिखा भी दूँगी कैसे करते हैं, ओके, कैसे यूज़ करते हैं जेल, मैं वो भी आपको दिखा सकती हूँ। तो इन केस यू नो ऑलरेडी हाउ टू यूज़ जेल, यू आर इन सर्च ऑफ अ गुड नेल जेल, तो दिस इज़ द वन यू शुड गो फॉर। सेकेंड थाट नहीं है, यू शुड गो फॉर दिस। और जब नेल्स घुसाने में जो जलन होती है ना, इसमें कोई जलन भी नहीं होता, इसमें जस्ट लगता है कि कोई हीट आ रहा है नेल्स में, लेकिन कोई जलन नहीं होता। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट आई हैव बॉट फ्रॉम अमेजन। सो या यू कैन बाई इट इफ यू वॉन्ट। सो या दैट्स ऑल फॉर टूडेज वीडियो गाइज, सो दैट्स ऑल फॉर टूडेज वीडियो गाइज। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा। और मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। टिल देन यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।